आगे बढ़ते हैं। खंडवा लोकसभा को लेकर बीजेपी में भी मंथन जारी है। इस बीच टिकट का प्रबल दावेदार अर्चना चिटनिस को माना जा रहा है, जिनका बड़ा बयान भी सामने आया है। चिटनिस का कहना है जो भी फैसला होगा वो उनके लिए मान्य होगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने, सुनिए जरा। तो अभी देखिए आपको वो बातचीत भी सुनाएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। बीजेपी में टिकट के लिए लड़ते नहीं है, ये अर्चना चिटनिस ने कहा है। जो भी फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। खंडवा में कई दावेदार कांग्रेस के अंदर सामने आ चुके हैं। बीजेपी में भी क्या स्थिति है उसे बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुरहानपुर से पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी। मैम, कांग्रेस के अंदर तो घमासान नजर आ रहा, आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी अपने सशक्त नेतृत्व, नीतियों और कार्यकर्ताओं के दम पर सतत जनता के बीच में रहती है और पार्टी अपने विचारधारा और संगठन पर अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाती जा रही है। आप लोगों की क्या तैयारी है पहली चीज, और क्या आपको टिकट दिया जाएगा तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? कार्यकर्ता स्वयं के बारे में विचार नहीं करता, कार्यकर्ता पार्टी के दिए हुए निर्देशों पर काम करता है, सतत काम करता है और पार्टी मेरे काम आए, ये कांग्रेस वाला तरीका है सोचने का। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से समाज के कितने काम आऊं, ये सोच का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। अगर मिल जाता है टिकट तो लड़ेंगी ना? जो मेरी पार्टी आदेश करेगी वो करूंगी। मतलब जो भी दावेदार होगा हम सब साथ में, उम्मीदवार जो भी होगा हम सब साथ में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, संभावित दावेदार हैं वहां से खंडवा से अर्चना चिटनिस। लेकिन एक तरफ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से अभी तक तमाम जितने भी वहाँ के गुट हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं और पार्टी के तमाम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। उसके बाद बीजेपी के भी तमाम जो गुट हैं अलग अलग वहाँ पर, वो भी चीज़ें सामने आ जाएगी क्या स्थिति बनती है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।